तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच सरप्राइज रिटर्न वीडियो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड जी हाँ, फाइनली चैनल के ऊपर आ चुकी है सरप्राइज रिटर्न कौन कौन सी हो सकती है 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर, क्योंकि जब से मैंने 30 वुमेंस रॉयल रंबल मैच सरप्राइज रिटर्न वाली वीडियो डाली, मैंने उसमें कहा था कि जो मेंस वाली वीडियो वो भी काफी जल्दी आप सभी को चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद मैंने रॉ वाली वीडियो डाल दी, उसके बाद भी मैंने कुछ बेटिंग ऑड्स रॉयल रंबल के जो थे वो वाली वीडियो डाल दी, और कमेंट जो मेरा बॉक्स है पूरी तरीके से भर गया था दोनों वीडियोस का कि भाई 30 मेंस जो रॉयल रंबल मैच की सरप्राइज रिटर्न वाली वीडियो वो कहां पर गई। तुम तो कह रहे थे कि सुबह ही आ जाएगी और मैं भूल गया था एक्चुअली में कि कल रॉ का एपिसोड भी है, तो आज की वीडियो फाइनली उस पर होने वाली है। आज की इस वाली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन सी सरप्राइज रिटर्न हो सकती है रॉयल रंबल 2021 के पेपर व्यू के अंदर। और गाइस मेरी प्रेडिक्शन है, वीडियो स्टार्ट करने से आप सभी को पहले बता दूं यहां पर कुछ न्यूज रूमर्स कुछ भी शामिल नहीं है, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि कौन कौन सी आप सभी को सरप्राइज रिटर्न 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर दिखाई दे सकती है। सो विदाउट wasting any time, let's begin this video. तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो को पहली सरप्राइज एंट्री के साथ, जो कि आप सभी को रॉयल रंबल 2021 के अंदर दिखाई दे सकती है, और ये होने वाली एंट्रेंस एनएक्सटी की तरफ से, क्योंकि आप सभी को द बे बे एडम कोल दिखाई दे सकते हैं 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर। हमने देखा कि एडम कोल ने ऑलमोस्ट सारी चीजें अचीव कर ली अगर मैं उनके एनएक्सटी कैरियर की बात करूं यहां पे, इसके अलावा भी फिलहाल वो जो थोड़े बहुत फ्यूड में इन्वॉल्व थे पैट आर्मसीएफ के साथ, लेकिन अब उनका जो फ्यूड है वहां पे भी खत्म हो चुका है, अनडिस्प्यूटेड एरा भी फिलहाल एक बार फिर से रूल कर रही है पूरे के पूरे एनएक्सटी शो को, लेकिन मेरे हिसाब से काफी जल्दी मूवमेंट आने वाला जब WWE एडम कोल को एनएक्सटी से हम सभी को मेन रोस्टर यानी कि रॉ या फिर स्मैकडाउन में लाती हुई नजर आने वाली है। तो इसलिए रॉयल रंबल 2021 शायद एक परफेक्ट जगह हो सकती है जहां पर WWE हम सभी को एक बड़े स्टेज के ऊपर एक बड़े शो के ऊपर दिखाती हुई नजर है कितने ज्यादा केपेबल एक्चुअली में एडम कोल है, क्योंकि आप सभी में से भी काफी सारे लोग मेरे हिसाब से एनएक्सटी शो को नहीं देखते होंगे, अगर वो एनएक्सटी शो को देखते होंगे कभी कभार कोई ना कोई पेपर व्यू देख लेते होंगे, रेगुलर जो व्यूवर्स है या फिर जो वीकली शो के व्यूवर्स है एनएक्सटी के वो काफी ज्यादा कम है से, इसी के चलते जो WWE वो एडम कोल को शायद हमें बुलाती हुई नजर आ सकती है 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, वहां पर वो हमें कमाल एंड धमाल जरूर से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमें बात कर लो नेक्स्ट सरप्राइज रिटर्न के बारे में, जो कि इस 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर हो सकती है, और इस बार रिटर्न हो सकती है कार्लिटो की। हम सब ये जानते हैं कि जो रॉ लेजेंड्स नाइट का एपिसोड होगा वहां पर हमें कार्लिटो आते हुए नजर आने वाले हैं, एंड यहां पर ये बात पहले रिवील हो चुकी थी कि जो WWE कार्लिटो को एक बार फिर से फुल टाइम रिटर्न के लिए बुलाना चाहते, जिस तरीके से उन्होंने बीच में भी रेमी स्टूडियो को बुलाया था, उनकी भी एक सरप्राइज रिटर्न रॉयल रंबल शो के अंदर हुई थी, उसके बाद रेगुलर आप सभी को रेमी स्टूडियो टेलीविजन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो अलग बात है, कुछ हफ्तों से स्मैकडाउन के ऊपर लगातार आप सभी को पूरी रेमी स्टूडियो की फैमिली नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि WWE के पास अभी फिलहाल उनको बुकिंग को लेकर कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लेकिन कार्लिटो के बारे में बात कर लो, उनकी जो रिटर्न है WWE के अंदर पूरे के पूरे 10 साल बाद हो रही है, तो इसलिए WWE काफी आसानी से हमें कार्लिटो के ड्रीम मैचेस बुक करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी फिलहाल जितने भी करंट सुपरस्टार्स रेसल कर रहे हैं रोमन रेंस ड्रू मैकइंटायर वो जॉन सी ब्रांड में भी जाते हैं, तो काफी सारे ड्रीम मैचेस WWE के काफी आसानी से प्लान कर सकती है, और इसलिए मेरे हिसाब से फुल टाइम रिटर्न आप सभी को दिखाई दे सकती है कार्लिटो की 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर। बाकी रॉ का जो लेजेंड्स नाइट वाला एपिसोड होगा वहां पर चीजें आप सभी को और भी ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि कार्लिटो आप सभी को 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर आते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, लेकिन यहां पर जो चांसेस हैं जो प्रोबेबिलिटी है जरूर से वो काफी ज्यादा जरूर से है। लेकिन हमें बात कर लूँ अगली सरप्राइज रिटर्न के बारे में, जो कि आप सभी को 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर दिखाई दे सकती है, तो ये जो रिटर्न है पहले भी रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर ही हुई थी, यहां पर मैं बात कर रहा हूं द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। एज ने काफी शॉकिंग काफी सरप्राइज तरीके से रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर रिटर्न किया था, मैं काफी ज्यादा खुश था कि चलो एज एक बार फिर से वापस आए। अब जिस तरीके से वो अपने कैरियर को एक्चुअली में एंड करना चाहते हैं, वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं प्रो रेसलिंग से, अब ठीक उसी तरीके से वो हमें अपनी रिटायरमेंट लेते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को सरप्राइज रिटर्न दिखाई दे सकती है एज की उनकी इंजरी के बाद, जो कि बैकलैश पेपर व्यू के अंदर हुई थी, तब से हमें एज WWE के अंदर दिखाई नहीं दिए, इसलिए मेरे हिसाब से एज की एक और सरप्राइज रिटर्न हो सकती है रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, जब हमें 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर एक बार फिर से रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। अगली सरप्राइज रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस बार हो सकती है करंट WWE सुपरस्टार द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन की। ब्रॉन स्ट्रोमन WWE से इसलिए बाहर है क्योंकि उन्हें नी सर्जरी वगैरह कुछ करवानी पड़ गई थी, लेकिन स्टोर लाइन के हिसाब से यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन को WWE से सस्पेंड कर दिया गया है। जो ब्रॉन स्ट्रोमन की सस्पेंशन कितने दिनों की है, कितने घंटों की है, कितने महीनों की है, ये तो बात तो WWE की तरफ से बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुई है, इसलिए मेरे हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन आप सभी को पूरे तरीके से सर्जरी से उभरने के बाद एंटर होते हुए नजर आ सकते हैं 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के
अंदर और वहां पर हमें उनकी एक सरप्राइज एंट्री दिखाई दे सकती है, या फिर चांसेस तो ये भी बन सकते हैं कि आप सभी को ब्रॉन स्ट्रोमन रॉयल रंबल पेपर व्यू से पहले आते हुए नजर आए, वो ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज कर दें WWE चैंपियनशिप के लिए, या फिर हम ये भी जानते हैं जो रॉक लेजेंड्स नाइट वाला एपिसोड होगा वहां पर आप सभी को ड्रू मैकइंटायर एंड कीथ ली आपस में फेस करते हुए नजर आएंगे WWE चैंपियनशिप मैच के अंदर। तो ऐसा हो सकता है ड्रू मैकइंटायर वहां पर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लें, फिर ब्रॉन स्ट्रोमन आए वहां पर ड्रू मैकइंटायर के ऊपर हमला करें, फिर उन्हें एक मैच मिल जाए काफी तगड़ा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर। चांसेस काफी सारे हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन की रिटर्न के जो चांसेस है दोनों तरफ में 50-50, या फिर वो 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर हो सकते हैं, या फिर वो ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक कर सकते हैं जब वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लें कीथ ली के खिलाफ जब होगा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड रॉ लेजेंड्स नाइट वाला। एंड ऐसे भी हो सकता है शेमस हमें उन पर हमला करते हुए नजर आए, लेकिन हमें बात कर लूँ अगली सरप्राइज एंट्री के बारे में जो कि आप सभी को 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर दिखाई दे सकती है, और इस बार एंट्री होने वाली एनएक्सटी की तरफ से, और टोमासो सैंपा भी आप सभी को इस साल 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। जो टोमासो सैंपा की डोमिनेशन है वो काफी ज्यादा एनएक्सटी के अंदर, ये बात तो हम सभी जानते हैं, और मेरे हिसाब से जो WWE टोमासो सैंपा को मेन रोस्टर के अंदर लाना जरूर से चाहेगी, और इसलिए हो सकता है आप सभी को टोमासो सैंपा आते हुए नजर आए 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर। वहां पर वो आएंगे, एडम कोल भी वहां पर रिंग के बीचों बीच ही होंगे, काफी धमाल और कमाल हमें दोनों एनएक्सटी के सुपरस्टार्स 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर मचाते हुए नजर आ सकते हैं। जरूर से टोमासो सैंपा एक फेवरेबल नाम है जो कि आप सभी को इस साल 2021 के अंदर 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर होते हुए नजर आ सकते हैं। अगली सरप्राइज एंट्री के बारे में बात कर लूं तो ये भी होने वाली है एनएक्सटी की तरफ से, और आप सभी को एडम कोल के वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल अपोनेंट यानी कि पैट एम्सी या फिर भी एंटर होते हुए नजर आ सकते हैं 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर। अब पता नहीं पैट एम्सी या फिर सही प्रोनाउंसिएशन है या फिर नहीं, या फिर पैट मैकिफे ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं उनके नाम के, लेकिन मुझे पैट एम्सी या फिर कहने में ज्यादा मजा आता है, तो मेरे हिसाब से उनकी भी सरप्राइज रिटर्न हो सकती है क्योंकि WWE ने अचानक से उनको एनएक्सटी के वीकली स्टोर से पुल आउट कर लेंगे, तो ऐसा हो सकता है WWE के पास कुछ और भी बड़े प्लान्स हो पैट के लिए, तो इसी के चलते ऐसा हो सकता है वो हमें अपने एक सरप्राइज एंट्री देते हुए नजर आए एडम कोल एंड टोमासो सैंपा के साथ में एनएक्सटी की तरफ से, और वो भी हमें 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर होते हुए नजर आए। जो अगली सरप्राइज एंट्री हो सकती है 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर मेरे अकॉर्डिंग वो हो सकती है इस बार दी आइकॉनिक गोल्डबर्ग की, गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस का मैच है, एक रूमर्ड मैच है। अगर मैं बात करूं रेसलमेनिया 37 के बारे में तो ऐसा हो सकता है हमें गोल्डबर्ग भी इस मैच को ज्वाइन करते हुए नजर आए, एंड ऐसा हो भी सकता है गोल्डबर्ग जीते क्योंकि WWE का कोई भरोसा नहीं वो कब लेजेंडरी सुपरस्टार्स के ऊपर निर्भर हो जाए, और गोल्डबर्ग हमें इस मैच को जीते हुए नजर आए। एंड गोल्डबर्ग जरूर से फेवरेबल नाम है जो कि इस साल नहीं बल्कि अगले साल 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर हमें एंटर होता हुआ नजर आएगा, उनकी सरप्राइज एंट्री हमें इस मैच के अंदर दिखाई दे सकती है। अगली सरप्राइज एंट्री के बारे में बात करूं जो कि एक बार फिर से NXT की तरफ से हो सकती है, और मेरे हिसाब से इस बार ही रिटर्न हो सकती है, आई मीन एंट्री हो सकती है कैरियन क्रॉस की। काफी टाइम पहले से रूमर्स आ रहे थे जब से कैरियन क्रॉस इंजर हुए थे कि कैरियन क्रॉस की जब जो सीधा एंट्री है वो मेन रोस्टर के अंदर होने वाले, क्योंकि WWE जानते कितने बड़े सुपरस्टार एक्चुअली में कैरियन क्रॉस हैं, तो ऐसा हो सकता है WWE NXT की कैरियन क्रॉस को मेन रोस्टर के अंदर लाना चाहे काफी जल्दी, और डोमिनेशन उनकी वहां पे भी दिखाना चाहे, और इसलिए वो भी हमें 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर होते हुए नजर आए। एंड कैरियन क्रॉस भी वहां पर आके पैट एम्सी या फिर टोमासो सैंपा एडम कोल इन सब के साथ आके धमाल कमाल NXT के सुपरस्टार्स मचाते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट एंड एक और बड़ी रिटर्न के बारे में बात कर लूं जो कि आप सभी को 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर दिखाई दे सकती है, और ये रिटर्न होगी और किसी के नहीं बल्कि नेशन लीडर 16-time चैंपियन जॉन सीना की। जॉन सीना WWE के अंदर बहुत कम आते हैं, लेकिन यस जब भी वो आते हैं वो बड़े शोज पे आएंगे, बड़े इवेंट्स पे आएंगे, और 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच रॉयल रंबल का पेपर व्यू काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफी बड़ा शो है, एंड जॉन सीना के वहां पर आने के चांसेस आप 90% कंफर्म मान ही सकते हो। अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है सामने, लेकिन ऐसा हो सकता है जो WWE करीबन एक हफ्ते पहले या फिर एक महीने पहले ये बात अनाउंस करे, एक महीने पहले नहीं बल्कि एक दो हफ्ते पहले ये बात अनाउंस करे कि आप सभी को जॉन सीना आते हुए नजर आएंगे 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के अंदर। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब भी जरूर से एक काफी बड़ा नाम है जॉन सीना जो कि आप सभी को 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर अपनी एक सरप्राइज एंट्री देता हुआ नजर आए। अब जो मैं नेक्स्ट एंड फाइनल नेम बात करने वाला हूं या फिर जो नेक्स्ट एंड फाइनल एंट्री बात करूंगा सरप्राइज एंट्री जो कि होगी 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, वो सुपरस्टार की जो चांस है वो काफी ज्यादा कम है, एंड वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। वैसे तो ज्यादातर ब्रॉक लेसनर की 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंट्री वो WWE की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर ही दी जाती है, क्योंकि कोई ना कोई रॉक एपिसोड के अंदर जो कि रॉयल रंबल पेपर व्यू से पहले होगा वहां पर ब्रॉक लेसनर आएंगे, पॉल हेमन आएंगे, पॉल हेमन ये बात अनाउंस करेंगे कि उनका क्लाइंट जरूर से 30 मेंस रॉयल रंबल मैच को आप सभी को जीता हुआ नजर आने वाला है। वहां पर ब्रॉक लेसनर आते हैं अपने डोमिनेशन दिखाते हैं 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, लेकिन जो साल 2021 होगा थोड़ा काफी डिफरेंट होगा, अब थोड़ा काफी दोनों वर्ड मैंने मिक्स कर दिए, और वो डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर है वो WWE कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, इसलिए मैं उनके जो चांसेस है थोड़े कम समझ रहा हूँ। रेसलमेनिया 37 के अंदर जरूर से लेसनर के मैच होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हो सकता है WWE तब तक ब्रॉक लेसनर को एग्री कर ले एक न्यू डील के लिए, एक न्यू WWE कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन रॉयल रंबल पेपर व्यू तक भी ये चीज पॉसिबल है, लेकिन चांस मैं थोड़ा कम लूंगा
कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर भी आप सभी को सरप्राइज एंट्री देते हुए नजर आए। तो गाइज मेरे हिसाब से ये कुछ नाम थे जो कि आप सभी को 30 मेंस रॉयल रंबल मैच 2021 के अंदर एंटर होते हुए नजर आ सकते हैं सरप्राइज एंट्री की अगर यहाँ पर मैं करूँ बात। टोटल आई थिंक सो मैंने 10 सुपरस्टार्स के यहाँ पर नाम लिए हैं। ऐसे नहीं कि इनके अलावा और किसी की रिटर्न हो नहीं सकती, और ऐसा मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि इन सभी की रिटर्न आप सभी को दिखाई दे जाएगी 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर। कुछ जो नेम है उनके चांसेस काफी ज्यादा हैं, जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन हो गए, एज हो गए, कार्लिटो हो गए, ये कुछ जॉन सिना हो गए, ये कुछ नाम है जिनके चांसेस काफी ज्यादा है। गोल्डबर्ग भी इसी के अंदर शामिल है। अगर मैं और सरप्राइज रिटर्न की बात करूँ, जस्ट एक आइडिया की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो सामोआ जो एक नाम है जो कि जरूर से आप सभी को एंटर होता हुआ नजर आ सकता है WWE, उनके एक बार फिर से एंट्रिंग रिटर्न के बारे में सोचती है। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना, कॉमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसे लगी मेरी ये वाली प्रिडिक्शन वाली वीडियो। इसके अलावा आपके हिसाब से कौन कौन सी सरप्राइज एंट्री हो सकती है 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर ये भी बात जरूर बताना। इसके अलावा गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।